खबर बहराइच से है, जहां पर जरवर ब्लॉक प्रमुख मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी है। डीएम के निर्देश पर किसानों से वार्ता करने पहुंचे डीपीआरओ से किसानों की वार्ता विफल हो गई। किसान रेडियो पंचायत को हटाने की मांग पर अड़े हैं। किसान नेताओं ने 20 अगस्त को लखनऊ बहराइच हाईवे जाम करने की घोषणा भी की है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के पांचवें दिन डीएम मोनिका रानी के निर्देश पर डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी ने जरवर ब्लॉक मुख्यालय पर चल रहे किसानों से धरना प्रदर्शन स्थल पर कर उनसे बातचीत की, लेकिन किसान रेडियो पंचायत ब्रजेश सिंह को हटाने की मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने 20 अगस्त को लखनऊ बहराइच हाईवे को जाम करने का भी ऐलान किया है। राम कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद बहराइच। आज ये हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा ये पाँचवा दिन है धरने का। इसमें जो यहाँ पे रेडियो पंचायत हैं, इनका रवैया बहुत ही खराब है। ये किसानों से बात भी नहीं करते हैं, ना इनको काम करते हैं। जितने भी क्षेत्र के सफाई कर्मी हैं, वो अपने घर पर ये कार्य कराने का काम करते हैं। इसी तरह से तमाम जो यहाँ के समस्या है, उस पर ये गौर नहीं करते हैं और किसानों को दुरुपयोग कर यहाँ से भगा देते हैं। ये आज का पांचवा दिन धरना है। आज जिले से प्रतिनिधि एक भेजे गए थे डीपीआरओ जी को, ये सफल यहाँ के जो वार्ता थी वो सफल नहीं थी। वो बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन बातचीत से काम नहीं चलेगा जब तक यहाँ के एडीओ पंचायत हटेगा नहीं। ये धरना आंदोलन चालू रहेगा और इसमें 20 तारीख तक समय दे रहे हैं किसान। अगर 20 तारीख तक अगर ये डीपी यहाँ से एडीओ पंचायत नहीं हटता है तो 20 तारीख को 2 बजे हाईवे जाम होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय जी की होगी। बहराइच से सलमान अहमद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।